लखनऊ से खबर है जहां भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने सतर्कता विभाग को निर्देश भी दे दिए हैं। वो अधिकारी वो अफसर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त रहते हैं उसको लेते हुए अब योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि योगी सरकार का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ही अपनाया जाएगा और इसी को देखते हुए अब योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने सतर्कता विभाग को निर्देश दे दिए हैं। साल 2018 से पूर्व के लंबित मामलों को 2 माह में निपटाने के निर्देश दिए हैं, तो साल 2018 से पहले के जो भी मामले अभी भी लंबित पड़े हैं उनको 2 महीने में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीबीसीआईडी में लंबित करीब 300 मामलों के जल्द निस्तारण का भी निर्देश दिया गया है। तो विजिलेंस में वर्ष 2018 से पूर्व के करीब 66 मामले लंबित हैं। इनमें से 15 मामलों में संबंधित विभागों ने जांच एजेंसी को अब तक दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं कराए हैं। तो 15 मामलों में संबंधित विभागों ने जांच एजेंसी को अब तक दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं कराए हैं और 2018 के पहले के लगभग 66 मामले ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है और अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। तो सीबीसीआईडी की अगर बात करें तो उसमें 300 ऐसे लंबित मामले हैं जिन पर जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। तो एसीएस अवनीश अवस्थी ने सतर्कता विभाग को इन मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। तो जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और संलिप्त रहते हैं भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और 2018 से पहले जितने भी मामले लंबित पड़े हैं जल्द से जल्द उनका निस्तारण भी किया जाएगा। तो साल 2018 से पूर्व के लंबित मामलों को 2 माह में निपटाने का निर्देश दिया गया है एसीएस अवनीश अवस्थी द्वारा। साथ ही सीबीसीआईडी में लंबित करीब 300 मामलों के जल्द निस्तारण का भी आदेश दिया गया है। तो विजिलेंस में वर्ष 2018 से पूर्व के करीब 66 मामले लंबित पड़े हैं और 15 मामले ऐसे हैं जिनमें संबंधित विभागों ने जांच एजेंसी को अब तक दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, लेकिन अब 2 महीने के अंदर निस्तारण करने के आदेश दे दिए गए हैं।